मेरा शरीर ठीक नहीं है या मैं इतना स्वस्थ नहीं हूं इसलिए जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता भाई कमर बहुत दुखे यार नहीं आज हाँ सर दर्द हो रहे है ना इसलिए कितनी छोटी छोटी बातों में हम बीमार हो जाते हैं हम मान लेते हैं कि मेरी तबियत ठीक नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कैसे होगा कुछ पता नहीं है ये एक बहाना है जिन जिन लोगों ने ऐसा जीवन जिया है जिसको हम कह सके जीना इसी का नाम है उन लोगों ने कभी भी हेल्थ को बीच में नहीं आने दिया है और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल हैं मैं खाली दो या तीन एग्जाम्पल शेयर करता हूं क्लियर हो जाएगा मॉरिस गुडमैन पता है ये व्यक्ति कौन है द मिरेकल मैन लेट्स हिम तर्ज भाई आई अप्रिशिएट द मिरेकल मैन यानी एक चमत्कारिक पुरुष कहा जाता है खुद का एक फ्लाइट लेके वो उड़ उड़ रहे थे और फ्लाइट क्रैश हो गया इंजन अचानक से बंद हो गया वो गिर गए पूरे शरीर में ऐसे फ्रैक्चर्स हुए या ए, उनकी पूरे शरीर की नर्वस सिस्टम ऐसी डाउन हो गई आंख के पलकारे के अलावा कुछ नहीं हिला सकते थे आंख का खाली पलकारा मुंह गला हाथ पग सब कुछ बंद बेड पे थे आंख के पलकारे से कोई ए बी सी डी लेके खड़ा रहा उन्होंने एक एक ए दिखाया बी दिखाया उन्होंने आंख का पलकारा किया और पूरा सेंटेंस कंप्लीट करवाया उन्होंने लिखा जिस ईयर में उनको ये एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने लिखा आज यही साल में क्रिसमस के दिन इसी हॉस्पिटल से मैं चलते हुए बाहर जाऊंगा एंड ही डिड इट नहीं कई लोग तो यार अगर साइठ प्लस थी गया पचास प्लस था मान लेवा कि वाहन प्रस्थास्त्र चालू अट्ठावन साल की उम्र में अरविंद आई हॉस्पिटल गोविंदप्पा वेंकटाचार्य ने शुरू की थी ग्यारह बेड से आज पांच हजार से ज्यादा बेड है कैन बी बिलीव दैट व्यक्ति क्या कर सकता है अगर बिलीव रखे तो एक रिटायर्ड आदमी था वो अरे एक कैटरेक्ट पैंतीस से चालीस हजार का आता है कौन सी कॉस्ट पे उन्होंने लाके रख दिया पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है ओनली टू डॉलर वन से फोर्टी रूपीज एन एम तो बस कितल जीवाना शरीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब यहां है सेकेंड एग्जाम्पल माइकल फ्लैप्स कितने गोल्ड मेडल कहा जाता है अपना हाँ कितने इंडिविजुअल लेवल पे कितने गोल्ड मेडल ट्वेंटी थ्री कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड है दूसरे नंबर पे कितने पता है नाइन गोल्ड मेडल्स है कब कब इंसान वहां पहुंचेगा और पता है ये जब छोटे थे उनका शरीर उनके हाथ का जो ऐसे स्पैन करते हैं ना हाइट के हिसाब से हाथ का स्पैन होता है उनका हाथ लंबा था लोग उनके ऊपर हंसते थे साथ में पढ़ने वाले बच्चे ये लड़के ने कभी वो नहीं सोचा उसने उसको फायदा बना लिया छह छह घंटे ये व्यक्ति पानी में रहते थे तब जाके वो तेईस गोल्ड मेडल तक पहुंचे शरीर अच्छा नहीं था उनको नौ साल की उम्र में स्कूल टीचर ने कहा था ये सर लड़का इतना चंचल है एक जगह बैठ ही नहीं सकता है एंड थर्ड अरुणिमा सिन्हा ये तो कई लोगों को पता ही होगा अरे एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर लखनऊ से नोएडा ट्रेन में जाती है अपना फॉर्म भरने के लिए रात को साढ़े बारह तीन ग्राम की चेन के लिए तीन गुंडे उसके ऊपर हमला करते हैं वो चेन नहीं देती है चालू ट्रेन से उसको फेंक दिया जाता है सामने से दूसरी ट्रेन आती है पूरा पैर कट जाता है पूरी रात में तकरीबन उनचास ट्रेन पास होती है सुबह वो जब नजदीक के गांव गाँव लोग देखते उसको उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल में तब पता चलता है वहाँ एनेस्थेसिया नहीं है पूरी रात चूहों ने ऐसे कुतर के रखा है अगर नहीं काटेंगे तो पॉइज़न पूरे शरीर में फैल जाएगा और उसका पैर विदाउट एनेस्थेसिया काटा जाता है और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ ये लड़की ये लेडी जब सूरत आई थी पर्सनली मैं उनको मिला हूँ और ये लेडी तय करती है बेड के ऊपर से कि मुझे वो करना है जो मैं आज तक किसी ने नहीं किया है एंड माउंट एवरेस्ट बोलना बहुत आसान है बेस कैंप से चार स्टेज लगते हैं उसको 52 डेज लगे 30 फिफ्टी 51 डेज लगे तीसवे दिन तो उनके कोच शेरपा ने बोल दिया कि भाई तू वापस चली जाए ये नहीं हो पाएगा तेरा पैर कटा हुआ है आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है उसने बोला मर जाऊंगी मैं वापस नहीं जाऊंगी एंड सी इज द फर्स्ट लेडी इन द वर्ल्ड इसीलिए ऐसे लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिलता है और हम कहते हैं जीना इसी का नाम